जब राह कठिन कोई चलता है, जब राह कठिन कोई चलता है, गिरता है संभलता है, दिल में एक अरमान लिए अंगारों पर चलता है, कुछ और बने या ना बने अपना हीरो बनता है, कुछ और बने या ना बने अपना हीरो बनता है। ना आलोचनाओं के तीरों से, ना आलोचनाओं के तीरों से, न दुश्मन की शमशीरों से, ना आलोचनाओं की तीरों से, न दुश्मन की शमशीरों से, भाग्यवादी सोच पर पुरुषार्थ भारी पड़ता है, कुछ और बने या ना बने वो अपना हीरो बनता है, कुछ और बने या ना बने वो अपना हीरो बनता है। बुद्धिमानों की इस दौड़ में, बुद्धिमानों की इस दौड़ में दिल तक ये पहुंचता है, बुद्धिमानों की इस दौड़ में दिल तक ये पहुंचता है, दूसरों की तकलीफों में इसका हृदय पिघलता है। बुद्धिमानों की दौड़ में दिल तक ये पहुंचता है, दूसरों की तकलीफों में इसका हृदय पिघलता है, कुछ और बने या ना बने खुद अपना हीरो बनता है, कुछ और बने या ना बने खुद अपना हीरो बनता है। 14 अप्रैल 1912, समुद्र में तूफान, -3 डिग्री का तापमान, और ये सारी परिस्थितियां के बीच में, भयंकर तूफान के बीच में, एक डूबता जहाज, और वो जहाज का नाम टाइटैनिक। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो रेडियो सिग्नल से आजू बाजू जो जहाज थे उन तक सूचना पहुंची, और सूचना पहुंची और चीख रुदन की आवाजें, बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की, बूढ़ों की आवाजें पहुंचना शुरू हो गई। सबसे करीब एक जहाज था जिसका नाम था सैमसन, और वो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था, 7 माइल दूर था टाइटैनिक से, पर वो टाइटैनिक की मदद के लिए नहीं गया क्योंकि वह अनैतिक रूप से मछलियों का शिकार कर रहा था। तो उसे ऐसा लगा कि इतने सारी लोगों की जीवन बचाने में कहीं मेरा ही जीवन खत्म ना हो जाए, इसलिए सैमसन चुपचाप वहीं खड़ा रहा, और केवल 7 मील का दायरा जो वो पार करके टाइटैनिक में हजारों लोगों की जानें बचा सकता था, ऐसे महान कार्य को करने से वंचित हो गया। ठीक उससे थोड़ा पीछे 14 मील की दूरी पर एक जहाज था जिसका नाम था कैलिफोर्नियन। कैलिफोर्नियन जहाज का कप्तान साहसी था, परंतु उसने देखा कि घोर अंधेरी रात, -3 डिग्री का तापमान, इतनी ठंड, बर्फ के ग्लेशियर्स, डूबता हुआ जहाज, नेविगेशन सिस्टम मदद नहीं कर रहा है, कैसे पहुंचूंगा मैं वहां तक के, तो रात इंतजार कर लेता हूं और सुबह जरूर मदद के लिए जाऊंगा, और वो भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। तीसरा जहाज 58 मील दूर था टाइटैनिक के, जहाज का नाम कार्पेथिया। 58 मील दूर जब उसने रेडियो सिग्नल पर आवाज सुनी, महिलाओं के डूबने की, बच्चों के चिल्लाने की, बूढ़ों के चीखने की, और अफरा तफरी की आवाज देखी, तो वो जा रहा था दूसरी दिशा में। कप्तान ने जहाज को पलटाया और पूरी ताकत से, बगैर किसी चीज की परवाह करे, खुद को जोखिम में डालते हुए तेजी से दौड़ते, भागते, लड़ते, भिड़ते, मरते, मारते वो टाइटैनिक तक पहुंच गया, और 706 लोगों की जान कार्पेथिया जहाज ने बचा ली। तीनों जहाज से एक बेहतरीन सबक निकल कर आता है। पहला सबक उन लोगों का है, पहला जहाज उन लोगों का है जो अपने अनैतिक कार्यों में ऐसे उलझे हुए हैं, गलत चीजों में ऐसे उलझे हुए हैं, अपनी ही समस्याओं का इतना बीड़ा उठा के रखा है उन्होंने कि वो दूसरों की मदद करने के लिए एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि नहीं यार, मैं पहले ही अपनी समस्या में उतना उलझा हुआ हूं, कहां तुझे समझाऊं, जा भाई मेरे पास समय नहीं है। दूसरा जहाज ऐसे लोगों का है जो मदद तो करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं है, बहाने ढूंढते हैं, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, अभी समय नहीं है, कुछ दिन बाद कर दूंगा। तीसरा जहाज मेरे नायक का है, तीसरा जहाज मेरे हीरो का है, जो जहाज मुसीबतों और मुश्किलों से आगे जाता है, जो जहाज सारे जोखिम उठाता है, जो जहाज लोगों की मदद करने के लिए जाता है और वहां पर जाकर 706 लोगों का जीवन बचाता है। मेरा बड़ी विनम्रता से आपसे सवाल है, अपने अपने जहाज का नाम पता करो। सैमसंग जहाज में बैठे हैं जो केवल अपना स्वार्थ देख रहा है, कैलिफोर्नियन में बैठे हुए हैं जो बहाने की आड़ में चीजों को टाल रहा है, या कार्पेथिया है
जो सारे विषमताओं के विरुद्ध जाकर लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, भले वो बचे या ना बचे। इतिहास के पन्नों में वो जहाज, वो कप्तान और उन लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 7 से 6 लोगों की जानें बचाई। बहुत सरल है नायकत्व, और नायकत्व कभी भी पैदा हो सकता है, हीरोइज्म कभी भी आ सकता है। इस कमरे में सपोज आग लग जाए और अफरा तफरी मच जाए और सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लग जाए, और कोई एक हो जो बोले कि ठीक है यार मैं तो बच ही जाऊंगा, पहले मैं इसको बचा लेता हूं, और शायद उसका जहाज फिर उस दिन कारपेथिया का जहाज कहलाएगा। तो सबक नंबर पहला, अपना जहाज ढूंढो दोस्तों। एक्सक्यूजेस से ऊपर आना सीखेंगे, एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, बहाने नहीं बनाएंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। भाई तू सब कर सकता है, बस देख ले अंदर नीयत साफ है या नहीं है।